हाय एवरीवन, इट्स मी धर्मपाल। तो शायद व्हाट्सएप की जो ग्रुप बनी है उसमें सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन आइगन के बारे में बात करनी है। व्हाट्सएप बने उस पर बहुत सारी बात हो गई, उसमें ग्रुप्स भी बन गए एंड अब है जो ग्रुप्स के बारे में डिटेल सेटिंग्स भी बात हो गई है, बट उसकी एक पर्पस हो जाती है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में ऑल सेटिंग्स मैंने बात की पिछली वीडियो में, आप नहीं देखे हो तो देख लो। बट आज की वीडियो में आइकन सब्जेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आइकन सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन को एक फिर से मोटिव रखा हूँ। ये पिछली वीडियोज में आप देखोगे तो ये पूरी क्लियर हो चुकी है, बट इसको फिर से मैं मेंशन किया है एक स्पेशली वीडियो में कि आपको समझ में आए कि सब्जेक्ट होती क्या है, डिस्क्रिप्शन होती क्या है एंड आइकन्स होती क्या है। ये सब चीज़ नॉर्मली आपको वीडियोज में देखने को मिली होगी, जब आप वहाँ पे आइकन्स लगाओ, डिस्क्रिप्शन लगाओ एंड उसके सब्जेक्ट लिखो, बट ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आते हैं एंड ये चीज़ आप मेंशन करोगे तो ये चीज़ आपको नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हो उसमें भी आती है, बट इसमें ऐसे मेंशन नहीं किया जाता है। ऐसे मेंशन ये ग्रुप्स में ही किया जाता है। तो ये क्या है, वीडियोज को लास्ट देखो तभी आप समझ पाओगे वीडियोज में क्या मैं बता रहा हूँ। तो वीडियोज को लास्ट देखो, अगर वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक दो बनता है, अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इसी तरीके के आपको नॉलेज वाले वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप में होती है सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन आइकन। तो सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन आइकन के लिए हम लोग है जो अब रेडी हो चुके हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पर अगर आपको पता नहीं होगी गाइस, तो यहाँ से हमारे ग्रुप्स बनती है जिसमें कि जो भी नंबर है जो सिलेक्ट कर लो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आ जानी है। तो यहाँ ही आपको सभी चीज़ मिल जाएगी, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन आइकन। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ गाइस, ये हो जाती है सब्जेक्ट, मतलब कि ये हो जाती है आप किस पर्पज़ से आप है जो ग्रुप्स को क्रिएट किए हो, पॉलिटिक्स बात करने के लिए, नॉलेज बात करने के लिए, मेडिकल बात करने के लिए, इंजीनियरिंग की कुछ प्रोजेक्ट होगी या किसी भी पर्पज़ के लिए, कंप्यूटर के रिलेटेड बताओ, मार्केटिंग के रिलेटेड बताओ, ऑनलाइन मार्केटिंग के रिलेटेड बताओ, जिस पर्पज़ के लिए आप बनाते हो उसे बोला जाता है सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं यहाँ पर डिटेल दूंगा आपको कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर डिटेल्स लिख देता हूँ, इसकी आपको नॉलेज लेने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया कंप्यूटर डिटेल्स, तो ये हो गई आपकी सब्जेक्ट। यहाँ लिखा गया है प्रोवाइड ए ग्रुप सब्जेक्ट एर ऑप्शनल ग्रुप आइकन एंड, यहाँ पे सब्जेक्ट में आप जो भी चीज़ के यहाँ पे दे सकते हो लोगो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर का तो मैं कंप्यूटर का दे दिया एंड यहाँ पर एक चीज़ देख लो, आइकन्स है ना, तो आइकन्स यहाँ पर आपको जानी पड़ेगी एंड यहाँ आइकन्स में आ जाती है कैमराज जिससे कि आप फोटो खींच सकते हो। सेकेंड में आ जाती है गैलरी जिसमें कि आप फ़ोटो चूज करो एंड लगा दो। थर्ड में हो जाती है स्टिकर्स जो कि यहाँ पर सिर्फ कलर भी लगा सकते हो या इमोजी भी आप कुछ भी लगा सकते हो, जो कि क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में आप देख लेना। नेटवर्क स्लो होने के कारण यहाँ पर कुछ स्लो हो जाती है, आपकी इमोजी अच्छी नहीं दिखेगी, तो आप उस टाइम अपलोड मत करना, थोड़ी क्लियर होने देना, उसके बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लेना। नेट फास्ट होगी तो तुरंत है जो क्लियर हो जाएगी, नहीं अगर फास्ट रहेगी तो थोड़ा टाइम लेती है, यहाँ भी नेटवर्क स्लो है। हाँ अब देखो क्लियर हो गया ना, तुरंत क्लियर हो जाती है क्योंकि अभी नेटवर्क स्पीड है। तो यहाँ से आप यहाँ राइट कर देना, जब यहाँ पर क्लियर हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे एक स्टिकर्स आ जाती है, इसे भी देख लेना, अगर आपकी क्लियर है स्टिकर्स तो ही आप यहाँ पर अपलोड करना। तो मेरा तो कंप्यूटर रिलेटेड है तो ये सब चीज़ को मैं लगा सकता हूँ, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर हमारी है जो ये दिया सब्जेक्ट हमने डाल दिया, यहाँ पर है जो हमने आइकन्स को डाल दिया एंड यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन डालनी है। जब आप बना दोगे ग्रुप्स को तब आप है जो डिस्क्रिप्शन डालोगे, तो हमारी ग्रुप्स है जो बन गए एंड यहाँ मैं आपको डिटेल्स ले चलता हूँ एंड यहाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ से फिर से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पूरी आ गई, मैंने आपको सर्च वेब नहीं बताया, आप सर्च वेब में जा कर के कुछ भी इसके रिलेटेड है जो सर्च कर सकते हो। तो ये हमारी हो गई, यहाँ से रिमूव भी आप कर सकते हो। तो छोड़, मैंने यहाँ पे आइकन्स के बारे में बता दिया फुल डिटेल्स एंड ये जो नाम हो जाती है ना हमारी एडिट, जब मैं करूँगा यहाँ पे ग्रुप सेटिंग्स में जा करके, यहाँ ग्रुप इन्फो करेंगे, यहाँ एडिट एडमिन करेंगे, तो ये सब थोड़ी हमारी एडवांस हो जाती है। बट हम जब आप ग्रुप की जो नाम है उसको अगर मैं चेंज करूँगा तो उसे बोला जाता है, यहाँ से चेंज जब होगी उसको बोला जाता है हमारी सब्जेक्ट।
जो कि आप सब्जेक्ट को चेंज करोगे। एंड ये आइकन्स हो गई, मैंने वो तो बता ही दिया। एंड इसके डिस्क्रिप्शन अब लिखनी है हमें। आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे जब क्या किस पर्पज़ के लिए वीडियोज़ बना रहे हो, इस पर है जो ग्रुप में आप कौन सी मैसेज डालोगे, क्या थॉट है आपकी, मतलब कि जो कोई मोटिव तो होती है ना जब आप ग्रुप बनाते हो। तो फिर से मैं दे दूंगा, जब मैं कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर दूंगा। एंड जितना आप बड़ी लिखना चाहते हो आप लिख दो, जो भी करना चाहते हो यहाँ पर से भी इमोजी आप दे सकते हो। तो ये हो जाती है हमारी डिस्क्रिप्शन। तो मैं पूरी डिटेल्स में बात कर चुका हूँ, ए टू जेड बनाने से पहले बनाने के बाद तक पूरी डिटेल्स मैंने बता रखा है। बट एक टॉपिक अलग मैंने बता दिया जिसमें कि आप आइकन्स के बारे में जान पाओगे, डिस्क्रिप्शन के बारे में जान पाओगे एंड कि इसकी सब्जेक्ट के बारे में जान पाओगे कि इसकी सब्जेक्ट क्या है। तो गाइस वीडियो जो आपको कैसी लगे, अच्छी लगती तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है एंड कमेंट्स में बताते जाओ कि आपको कैसी लगी, क्योंकि एक नॉलेजेबल वीडियोज थी। क्योंकि हर टॉपिक्स को एक ही वीडियोज में मेंशन कर देना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वीडियोज के टाइटल में एंड जो वीडियोज के टाइटल में एंड थंबनेल में जो आप लिखोगे उतना ही नॉलेज है पब्लिक ले पाते हैं, उतना ही वीडियोज देखेंगे स्किप कर देंगे। एंड का पता उस वीडियो में कुछ अच्छा नॉलेज आप दे रहे हो तो वो तो पब्लिक को मिलेगी नहीं। इसलिए हर टॉपिक्स को अलग अलग करके बनाओगे तो वो नाम से सर्च भी कर पाएंगे एंड वो नाम से वो सीख भी पाएंगे। तो इसलिए मैंने वीडियोस को अलग अलग बनाया। तो वीडियोज आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके का नॉलेज वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट एक वीडियो के साथ।